हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्ट मॉम थिंग्स। बहुत टाइम के बाद मेरे चैनल पे कोई वीडियो बन रही है, तो एक्चुअली मैं थोड़ा सा बिजी हो गई थी या कुछ भी कह लो मैं वीडियो नहीं डाल पाई। तो आज वीडियो बनाने का मूड हुआ तो सोचा कि वीडियो बना लेते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है डार्क सर्कल्स, अंडर आई डार्क सर्कल्स, जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन इशू रहता है सबके साथ, और मेरा तो खास तौर से बहुत ज़्यादा। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो लोग जानते हैं कि आई हैव डार्क सर्कल्स, बहुत टाइम से हैं। और ये कोई बीमारी नहीं है, पर इसका कोई इलाज भी नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, आई डॉक्टर्स को दिखाया, कॉस्मेटिक सर्जन्स को दिखाया, डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया, और सबका यही कहना था कि डार्क सर्कल्स कभी भी कभी भी रूट से ख़त्म नहीं हो सकते। हाँ, लेकिन कम ज़रूर हो सकते हैं, अंटिल एंड अनलेस कि आप कोई किसी मेजर ऑपरेशन या मेजर सर्जरी के लिए नहीं जा रहे हो, जैसे कि अपनी आइज फुलर के लिए इंजेक्शंस नहीं ले रहे हो, डार्क सर्कल्स जा सकते हैं आपके उससे भी, या आप लेज़र ऑपरेशंस नहीं करवा रहे हो, या फिर आप कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं करवा रहे हो, समथिंग लाइक दैट। तो बहुत वो एक अलग टॉपिक है, वो एक अलग बातें हैं। अगर आपको वो सारी चीज़ें करवानी है तो आपके डार्क सर्कल्स कम हो सकते हैं, इनफैक्ट ख़त्म हो सकते हैं। बट अगर आपको वो सब नहीं करवाना है और इतने सब इंजेक्शन सर्जरी इन सब चीज़ों से नहीं जाना है, तो आपके डार्क सर्कल्स नहीं जाएंगे, आपको इनके साथ ही जीना पड़ेगा। तो हाँ, लेकिन कम ज़रूर हो सकते हैं। तो बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, आई चेकअप करवाया कि आई साइड वीक ना हो, तब ना हो रहे हो, या स्किन प्रॉब्लम ना हो, या कोई डेफिशिएंसी ना हो, तो कुछ भी नहीं आया, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। और डार्क सर्कल्स हैं तो हैं, अब क्या करें लेकिन हाँ, इसका ये है कि हम इसको कम ज़रूर कर सकते हैं, दिखने ज़रूर ये कम हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि मेजर इशू क्या है, कि डार्क सर्कल्स क्यों होते हैं। डार्क सर्कल्स बेसिकली ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी है तो डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, या प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हो तो डार्क सर्कल्स हो रहे हैं। बहुत सारे इश्यूज हैं कि डार्क सर्कल्स जेनेटिकली भी हो सकते हैं, और किसी चीज़ की डेफिशिएंसी आ रही है तो भी हो सकते हैं। तो डार्क सर्कल्स इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम, और आप सबसे इजी मेथड है कि आप मेकअप कर लो और डार्क सर्कल्स छुपा लो और कोई तरीका नहीं है। अदरवाइज यू हैव टू गो फॉर सम काइंड ऑफ सर्जरीज, टेकिंग इंजेक्शंस एंड ऑल दैट समथिंग एल्स। तो अब करते हैं कि बेसिकली क्या होता है कि जो हमारी अंडर आई वेन्स होती हैं, दे आर वेरी सेंसिटिव वेन्स, और वहाँ का जो ब्लड फ्लो होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, इसलिए जो है आपकी स्किन वहाँ से काली पड़ जाती है, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। तो उस चीज़ के लिए ब्लड फ्लो की सर्कुलेशन अच्छी करने के लिए आप मसाज कर सकते हो, अंडर आई क्रीम्स यूज़ कर सकते हो, सोने से पहले प्रॉपर तरीके से मसाज करना, क्रीम लगाना, विटामिन सी यूज़ करना, इवन विटामिन ई आल्सो गुड फॉर आईज, और बहुत सारी क्रीम्स आती हैं, कैफीन इज़ वेरी गुड, कैफीन सोल्यूशन इज़ वेरी गुड फॉर आईज, तो उससे आप मसाज कर सकते हो, एलोवेरा जेल से, आलमंड ऑयल। तो रात को सोने से पहले एक सीरम मैं अप्लाई कर रही हूँ आजकल अपनी अंडर आई, तो वो है ये वाला, ऑर्डिनरी का है, और ये है कैफीन सोल्यूशन 5%। ये मुझे काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ और मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क नज़र आ रहा है इसको यूज़ करने से, और ये सफोरा के स्टोर्स पे ऑर्डिनरी के प्रोडक्ट्स बहुत इजीली मिल जाते हैं, मैंने ये वहीं से लिया है। बट मैंने बाद में चेक करा है कि ऑनलाइन भी अवेलेबल था, अमेज़ॉन की साइट पे अवेलेबल है, और भी अदर वेबसाइट्स पे अवेलेबल है ये, तो आप ले सकते हो। और इससे कोई मुझे ईचिंग प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं हुई, बल्कि मैं इसको दिन में भी जैसे फेस वॉश करा, उसके बाद रूटीन की क्रीम लगा ली, उसके बाद ये अप्लाई कर लिया, मुझे दिन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, कोई इचिंग नहीं हो रही है, कोई रैशेज, कोई रेडनेस, कोई ऐसे बर्निंग, कोई इशू नहीं आ रहा है इसके साथ, दिस इज़ टोटली सेफ। तो मैंने ये ऑर्डिनरी का यूज़ करा है, कैफीन सोल्यूशन 5%, विच इज़ टोटली गुड फॉर स्किन। तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ और मुझे काफ़ी फ़र्क दिख रहा है काफ़ी टाइम से, तो ये मुझे शेयर करना था। और अब मैं कुछ शेयर करती हूँ होम रेमेडीज़, जो कि डेली बेसिस पे तो कौन ही इतना अपने पे टाइम स्पेंड करता है, बट हाँ, जब भी मेरा मन होता है या मुझे लगता है कि नहीं कुछ कर लेते हैं, स्किन केयर कर लेते हैं, करनी चाहिए,
तो मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, तो वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं क्या क्या करती हूँ। तो जैसे कि आप सबने देखा कि कुछ होम रेमेडीज़ मैंने शेयर करी, आमंड ऑयल के साथ शेयर करी, कॉफ़ी का, जैसे कि अब जो ऑर्डिनरी का मैं दिखा रही थी इसमें भी कैफीन है, तो कॉफ़ी भी बहुत हेल्पफुल रहती है आइज़ के लिए। इवन कि नॉट इवन डार्क सर्कल्स, अगर आपके डार्क स्पॉट्स भी हैं तो आप उस पर कॉफ़ी अप्लाई कर सकते हो। बहुत जैसे पिंपल के निशान हो जाते हैं कई बार, एक्ने हो जाती है या टैनिंग हो जाती है, कॉफ़ी इज़ रियली गुड फॉर दैट। कॉफ़ी यूज़ कर सकते हो, और अगर आपके आईज़ में पफिनेस है तो आप आइस यूज़ कर सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो करना ही है, उसकी तो कोई बोलने की बात ही नहीं है। बट हाँ, प्लीज़ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।